जी अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अभी पहुंच गया हूँ सेंटा मोनिका बीच पे। और एक और चीज़ मैंने आज थोड़ी सी सीखी है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ऊबर से, तो मेक श्योर कि आप सेंटा मोनिका पियर सेलेक्ट करो, ना कि सेंटा मोनिका बीच। क्योंकि अगर आप बीच सेलेक्ट करोगे तो विल ड्रॉप यू ऑफ इन द मिडल ऑफ नोवेयर। तो आप जो है वो घरों के दरमियान कहीं एंड अप हो गए करीबी, लेकिन यह है कि अभी मैं जब आया उबर के ज़रिए तो आई हैड टू बेसिकली चेंज माई डेस्टिनेशन। उसने जो लोकेशन उसको दी, इट वॉज इन द मिडल ऑफ नो वेयर। तो जस्ट बी केयरफुल फॉर दैट। यह है जी सेंटा मोनिका बीच। मेरे ख्याल में उस साइड पे चलता हूँ। इस साइड पे जो है वो ब्रिज है, हम सीधा चलते हैं दूसरी साइड पे। मैं सोच रहा था कि आज सुबह सुबह तो है यहाँ पे रश नहीं होगा, लेकिन यह है कि यहाँ पे रश तो काफ़ी है। दौड़ लगा रहे हैं साइकिल्स। आज शुक्र है थोड़ा सा धूप भी कम है, इसलिए कि क्योंकि यहाँ पे लॉस एंजलिस में ये बात बड़ी मशहूर है कि यहाँ पे दिन को बहुत गर्मी होती है और रात को एकदम से सर्दी हो जाती है। और वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, वो इस वजह से कि मैं आया था यहाँ पे शॉर्ट्स पहन के। मैं जब एयरपोर्ट से बाहर निकला तो एकदम से वो सर्दी की लहर जब गुजरी छू के मुझे, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बिल्कुल मुझे प्लान करना चाहिए था। वो एहतियातन मैं अपनी हुडीज़ वगैरह साथ लाया हुआ था तो बचत हो गई। लेकिन यहाँ पर सर्दी होती है, अगर यहाँ पर आप आओ तो जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी हुडी वगैरह या इस किस्म की कोई चीज़ आप साथ लेके आ रहे हो, बिकॉज के यहाँ पे दिन को लोग शॉर्ट्स पहनते हैं और रात को जो है वो थिक फर वाली जैकेट्स पहनी होती हैं। तो यह जी बीच, इसको पता नहीं कौन सा बीच, बाइक पैथ, मसल बीच। अच्छा, मसल बीच से मरा यहाँ पे ओपन जिम है, वहाँ पे आके लोग जो होते हैं ना ये बॉडी बिल्डर बड़े कॉन्शियस होते हैं जो बॉडी के बारे में, वो आगे बस थोड़े डोले शोले निकालेंगे हैं। और तो या हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें करनी होती हैं ऐसे। ये छोटी सी मार्केट है, कैफेज है ज़्यादातर, मैं समझ यहाँ पे सोवेनियर्स होंगे थोड़े से चले, लेकिन एकदम वो GTA में आ गया हूँ मैं तो। जो लोग GTA खेली हुई जिन्होंने उन्होंने देखा होगा कि दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। बिल्कुल एग्जैक्टली GTA में इसी तरह मैप किया गया है। वो उसके वो जो फ्लाईओवर तो क्या कहते हैं उसको, फ्लायर जो है सिंगापुर में तो उसको फ्लायर बोलते हैं, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या बोलते हैं। लेकिन ये है कि इस फ्लायर में वो बैठ के आपको स्नाइपर से एक बंदे को जो है वो टारगेट करना होता है, तो इस फ्लायर में बैठा होता है और यू हैव टू शूट हिम थ्रू स्नाइपर। तो बिल्कुल जो है ना, और वहाँ पे वेस्ट आइटम्स में जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ पे बिल्कुल घर और सारी चीज़ें वैसी हैं जैसे होता है वो क्या नाम है जहाँ से GTA 5 शुरू होती है ना। तो उसमें छोटे छोटे घर और इस तरह के बिल्कुल इट लुक्स लाइक द कॉपी पेस्ट। तो ये बड़ी जो है वो एक फनी सी चीज़ है कि ये चीज़ें मैं वीडियो गेम में देखी थी, बिल्कुल ऐसी मैप हुई हुई थी सारी। तो क्योंकि मैं ख़ुद गेमिंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ, 8 साल मैंने गेमिंग इंडस्ट्री में काम किया और काफ़ी अच्छी हाई पीस पे लाइक स्ट्रीट फाइटर पे, डेथ स्ट्रैंडिंग हो गई, स्ट्रीट फाइटर हो गई, स्ट्रीट 5 6 और आर्मर कोड
और कौन सी है जनाब आली, लिटिल नाइट मेयर्स, फास्ट एंड फ्यूरियस, इन सारों में मैंने काम किया हुआ है। तो आपको मेरा नाम भी मिलेगा क्रेडिट्स में, लेकिन ये है कि तो आई नो हाउ गेमिंग इंडस्ट्री वर्क्स। तो बहुत सारी जो है ना वो इस तरह की रियल लोकेशंस की 3D रेंडरिंग की जाती है, फिर उनको गेम में जो है वो मैप्स इस तरह क्रिएट किए जाते हैं। तो अब तो ये बहुत ज़्यादा होता है, पहले बड़ा कम लेवल पे होता था, सिर्फ और सिर्फ कुछ जो बहुत ज़्यादा बजट होता था जिन IPs का वो ऐसे करते थे, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है। एक लोकेशन को 3D रेंडर करना पूरी को, इट्स डेफिनेटली यू नो लाइक क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो ये है जी बीच, और ये बीच के साथ ये पार्क शार्क है, जहाँ पे आप क्या कह सकते हो, आई डोंट नो, बच्चों के लिए। और रोलर कोस्टर भी कोई इतनी कोई ख़ास वो ड्रोनी नहीं है मेरे ख्याल में, तो आई वुडंट बॉदर, यू नो। थोड़ा सा राइट साइड भी चलते हैं, लेट्स सी कि वहाँ पे क्या है। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा लोग बोलते हैं स्पेनिश, और बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज है, मतलब स्पेनिश बड़ी प्यारी लैंग्वेज है, सुनने में आपको मज़ा आता है। और चूँकि यहाँ पे वो आपको हॉलीवुड से भी, हॉलीवुड में काफ़ी जो है ना वो स्पेनिश लैंग्वेज को काफ़ी प्रमोट किया जाता है, स्पेनिश कल्चर को, स्पेनिश लैंग्वेज को, और बड़ी एक वो सुनी सुनी लैंग्वेज आपको लगती है, लेकिन असल में सुनने में ज़्यादा अच्छी है, मज़े की है। ज़्यादा लोग जो है वो स्पेनिश बोलते हैं यहाँ पे। मैं देखता हूँ दूरबीन में क्या, आई होप इज इन जीसस, ये कह रहा भाई। क्या है आप ज्वेलरी की शॉप, यार ये चीज़ें थाईलैंड में इतनी चीप थी ना, ये उसने ये हाथी वगैरह ये थाईलैंड से सारी ला के और यहाँ पे बेच रहे हैं। ओ देखें जी सैन फ्रांसिस्को बीच की आप व्यू देखें, कौन्स की खुशबू आ रही है मुझे, ये पकड़ा दिया भाई मैडम ने मुझे, द ट्रेजेडी ऑफ अ वेस्टेड लाइफ, यील्ड योरसेल्फ टू गॉड। तबलीगी जमात वाले यहाँ भी हैं, ये लेकिन वो दूसरी तबलीगी जमात है, ये देखो अब ये सारा वो चाइना का माल है भैन, यहाँ पे जो बिक रहा है, कबूतर भी आए हैं यहाँ पे। लेकिन चले मैं इस बात पे हैरान हूँ, हमारा कराची में भैंस का सिरा, सारे काले समंदर हमारे नसीब में है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो मतलब कितनी दुनिया है यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद बीच साफ कितना है, आप इस बात से अंदाज़ा लगाओगे यार, मस्जिब कौमें कैसी होती है। और मलेशिया में चूँकि मैं रहता हूँ, वहाँ पे भी यही कल्चर है, मतलब आपको चीज़ें साफ मिलेंगी, नोबडी इज़ बेसिकली अलाउड टू थ्रो एनी काइंड ऑफ रबिश। और यहाँ पे इनको ज़रूरत नहीं है वो लगाने की कि रस्सियाँ के यार आगे ना जाना, ये ना करना, क्योंकि लोगों को ख़ुद पता है क्या उनकी लिमिट्स हैं। ये कौन सी नस्ल की जो है वो परिंदे हैं पता नहीं, ये बहुत बड़े बड़े परिंदे हैं, हैं ये भी कबूतरों ही के जैसे हैं। ये ले आया भाई कुत्ता साथ, बच्चों की
जगह है ना, लेकिन यह है कि बीच प्यारा है, दोनों का बीच जो है वो बहुत प्यारा है। अच्छा, द कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ यहाँ भी है, मलेशिया में तो काफ़ी फेमस है। दुनिया एंजॉय कर रही है, अभी तो सर मैं वो ब्रिज पे खड़ा हूँ, तो बाद में नीचे जाऊँगा। चाचा जी नींद कर रहे हैं अपनी, अच्छा मैंने यहाँ पे एक चीज़ आ के मतलब उबर में काफ़ी चुके मैंने ट्रैवल किया यहाँ पे, तो हर बंदा एक बात ज़रूर करता है जो खसूस इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे। अभी फॉर इंस्टेंस मैं आया था, एक ईरानी था ड्राइवर जो था, तो बेसिकली वो ये कह रहा था कि यहाँ के लोग दे आर जस्ट लाइक स्टोन्स, मतलब इमोशंस और जो भी रिलेशनशिप है यहाँ पे वेरी मटेरियल, लोगों में फीलिंग्स वगैरह नहीं है इतनी। और ये अंदाज़ा मैंने लगाया है कि वो जब खाना एक्स्ट्रा मैंने ऑर्डर किया है ना, तो उसमें पीपल डोंट इवन गिव अ शिट। अभी मैं देख रहा हूँ कि यार एक होमलेस बाहर खड़ा हुआ है, और मेरा दिल था कि जो एक्स्ट्रा मैंने खाना मंगवाया मैं उसको दे दूँ। तो वो जो कह रही थी वो कहती है दे कि आपने इसके पैसे पे किए हैं, तो व्हाई डू यू वांट टू गिव इट टू समवन एल्स। मैंने कहा यार मैं खा नहीं सकता, जारी बात है। फिर कहती है चलें आपकी मर्ज़ी, लेकिन वो कह रहे सुपर वियर्ड टू गिव समथिंग टू समवन, वी डोंट डू लाइक दैट हियर। तो मैंने कहा यार ठीक है। स्पानिया आगे भी स्पानिया हो, स्पैनिश गिटार बाबा गिटार अच्छा बजा रहा भाई। यार जो जो चीज़ें साइड पे बिक रही है ना, देर ऑल क्रैप टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी हैं, ये जहाँ भी जाओ ये सारी कुछ भी यहाँ पे लोकल नहीं है। लाइक यू सी दी स्ट्रॉन्ग और ये सारा कुछ भी लोकल नहीं है यहाँ पे, ये सब का सब जो है वो आया हुआ है कुछ ये मलेशिया इंडोनेशिया चाइना थाईलैंड वगैरह से आया हुआ है, इनका लोकल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में जाते हैं, एक इनको सहूलत है, दे आर लाइक इनका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, द वर्ल्ड इज़ लाइक अ होम टू देम। तो ये क्या करते हैं, ये जाते हैं आइलैंड से 50 kg अगर अलाउ हुआ बिजनेस क्लास में या इकोनॉमी क्लास में, चले 35 kg अलाउ हुआ, तो 35 kg में 5 kg इनके अपने कपड़े होंगे, क्योंकि दे चेंज देर क्लोथ वेरी लेस ऑफन। और फिर उसके बाद आगे बाकी 30 kg जो था वो सारा स्मगलिंग, लाइक ये वो खाना पीना यहाँ आगे बेचती बड़ी आस है।
में मछलियाँ भी पकड़ सकते हो आप यहाँ पे, अगर मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई करीब में मछली आती होगी। एक भाई साहब यहाँ पे भी पीपना बजा रहे हैं। और ये आपके भाई पीपना सुन रहे हैं। अच्छा, इंडोनेशिया में मैं गया था तो वहाँ पे ये कल्चर बड़ा हुआ है ना कि इंडोनेशिया में अगर आपने शर्ट्स पहने हो ना इस तरह किसी ऐसी जगह पे, या मतलब इंडोर कहीं भी या जहाँ पे, तो दे फील वेरी वियर्ड अबाउट इट। लेकिन यहाँ पे अंधेरे में भी लोगों ने शेड्स पहने होते हैं, तो खैर हम भी फिर वही वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, ताकि इनको ये ना लगे कि यार आप पहली दफ़ा आए हो। जस्ट ट्राई टू बेसिकली यू नो मिक्स अप विद देम एज मच एज यू कैन, कि आपको ये ना समझे कि यार
Ladies and gentlemen, you do not want to miss this show. What's up? Oh yeah, the crowd is looking good, ladies and gentlemen. Showtime coming up. Breakdancing, acrobatics, a lot of stuff. I'm excited. Yo, 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 people, walk that side, that side. Oye, siento que tú me dices algo, pero tu barrio te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oye, yo siento que tú me dices algo. Thank you. 1 minute till showtime. 1 minute. Tú te pones como rápida, yo parado en la esquina cuando mueve peluche nuevecito de mi. Less than 1 minute till showtime. You guys ready? Good. Good energy. Thank you. Not like this. Seconds to showtime. The crowd is looking good, ladies and gentlemen. I'm excited. 30 seconds! Showtime! Here we go. Guys that are walking that way, all you're gonna see is more wood and more water. You should stop and watch the show. We got 15 seconds to the people that are standing here. Thank you. In this show, we need some good energy. Oh, hell no. We need some happy people. Asian people, you too. Thank you. 10 seconds! Here we go, 10 seconds till showtime. Não quis te remandar, hein? Desse jeitinho. Here we go, guys, here we go. Cadê o tan-tan-tan-tan? Olha o beat movimento. Exato. Okay. All right. To the people that are ready, let me hear you say yeah. Yeah. Perfect. Ladies and gentlemen, can you guys do me one big favor? If you look down over there, there's a building that says Harbor Office. That's the Santa Monica Police. They love us and they love the show, but they tell us to keep a tight crowd. Otherwise, we get in trouble. So can everybody please move up all the way to the cones? As soon as you move up, we get to start this show. Thank you. We need people walking behind you, not in front of you. Thank you, guys. Oh, hey, if you don't speak any English, move that ass forward up. Thank you, thank you. Ladies, you can move up.
Don't worry, I'm gay. Almost there. We just got to organize this side. Thank you. Hey, yo, DJ, turn it up real quick. I just got to organize this side of the crowd before we start. Everybody squeeze in. Take the empty spots. It's showtime. Come on, Mexico, yeah. Oh, and yes, he's legal. He's legal in Mexico. Next up from Portland, Oregon, make some noise for Tyler Powell. From Puebla, Mexico, we got B-Boy Spawn. From Puerto Rico, these guys are from everywhere. From Puerto Rico, make some noise for Bebo. All the way from El Salvador, please make some noise for Kenneth. And last but not least, from New York City, please make some noise for Problems. Oh yeah. My name is Andrew. I'm from Hollywood. Hollywood! It's showtime. Let's have some fun. Remember to smile! Also, if you're not smiling, you look constipated, I'm gonna be real, alright? Who's having showtime, a bad morning? Let's do this. Get your cameras ready. If you see something you like, make sure to make some noise. Yes. That's how we do better. Let's go. All right, my turn. Make
only need five. If I do six, somebody's gonna die. If y'all wanna see more. Yeah, that's the problem.